না না, আসলে ব্যাপারটা তুই খুব আশা নিয়ে নিয়েছিস রে বাবা। सो अभी तक आप लोग जो सुने हैं वो एक्चुअली मेरा सिस्टर इन लॉ है। तो एक्चुअली बात ये है कि वहाँ पे मेरा जो ससुराल है वहाँ पे एक प्रोग्राम अटेंड करने का हम लोगों का बात था, तो हम लोग जो टिकट करवा लिए ये उसको पता नहीं है, ये सरप्राइज़ है उसके लिए। और हम लोग रेडी हो चुके हैं, बहुत जल्द निकलेंगे, तो ये पूरा सस्पेंस रहेगा। सो वीडियो पूरा देखना और बने रहना पूरा वीडियो में। लॉकडाउन के बाद ये फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करने जा रहे हैं, सो स्टे ट्यून, वीडियो पूरा एंड तक देखना। फाइनली हम लोग पहुंच गए बाहर, बारिश शुरू हो गया इसीलिए थोड़ा बहुत इमेज कैप्चर कर नहीं पाया। हम लोग अभी सियालदा स्टेशन में हैं, डेस्टिनेशन नॉर्थ बंगाल हाशीमारा। ट्रेन आ चुका है, हम लोग का सीट भी मिल गया, वी आर ऑल सेट। लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम आज ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। कंपार्टमेंट काफ़ी खाली है, क्योंकि मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आपको। फिलहाल यहाँ पे और कोई है नहीं। Right now, because of the Sophia, so
भी मिल गया जहाँ से कैब मिलता है जयगांव जाने के लिए। लोड हो रहा है माल और गाड़ी में बैठ गए हम लोग। भैया का एकदम नया गाड़ी है स्विफ्ट, चलिए। थोड़ा इनसे भी पूछ ले रहे हैं, मतलब इतना दिन बाद वो ये अपने मायके आए हैं, आई है तो हाउ आर यू फीलिंग? कुछ मजा लगे सब कुछ देखे, एक बच्चा फोन देखे, एक साल बाद जैसे मैंने पहले बोले एक साल बाद आ रहे हैं। दूसरा एक चीज़ इतना तक जो आप लोग देखे कि सस्पेंस है नहीं, ऑलरेडी हम लोगों का भांडा फूट चुका है, सब जान चुके हैं कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक बार इन लोग के एरिया में अगर आ गए तो खबर तो पहुंच ही जाता है। तो आज सुबह सबको पता चल गया कि हम लोग आ रहे हैं, इसलिए बहुत कोशिश की हम दोनों किसी तक कि सस्पेंस ही रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो हुआ नहीं। चलिए फिर देखते हैं वैसे क्या रिएक्शन मिलता है। हाँ, वैसे तो उन लोगों को आज सुबह ही पता चला। बाय बाय, सी यू सून।